की और दंगाइयों को देख। हो गया, लेकिन अब आगे इसको न बढ़ाया जा सके और कम से कम जो शहर में अगर ऐसी स्थिति आगे न बढ़ सके, तो इसलिए पुलिस के जो जवान हैं वो एहतियातन ताज चौराहे पर तैनात किए गए हैं। उसके अलावा जो गांधीनगर का इलाका है वहां पर इनको तैनात किया गया है ताकि दंगाई शहर को अपनी जद में न ले सके और जो शहर का जो अमन चैन है, जो शांति है, वो बरकरार रहे। तो इस समय ये सब कुछ यहाँ पर चल रहा है और उधम सिंह नगर जो कि पास का पेरिफेरी का डिस्ट्रिक्ट है और वहीं पर पीएससी की कई सारी बटालियंस हैं, तो वहां पर पीएससी को भी मूव किया गया है वहां से। उसके अलावा रामनगर के पास से वहां भी पीएससी का अपना सेंटर है, वहां से उसको मूव किया गया है। तो ऐसे में ज्यादा से ज्यादा पुलिस के जवानों को इस शहर की तरफ, यानी कुमाऊं का सबसे बड़ा शहर और एक तरीके से गेटवे ऑफ कुमाऊं इसको कहा जाता है हल्द्वानी को, तो यहां मूव किया गया है। और जैसे जैसे रात चढ़ रही है वैसे वैसे तनाव भी और बढ़ता हुआ दिख रहा है, विशेषकर जो गांधीनगर का इलाका है, विशेषकर जो शहर से जुड़ा हुआ इलाका है जहां पर हिंदू मुस्लिम पॉपुलेशन बिल्कुल आमने सामने रहती है, तो वहां पर तनाव एक तरीके से बहुत जबरदस्त देखने को मिल रहा है। लेकिन पुलिस की ये कोशिश है, प्रशासन की ये कोशिश है कि दंगाइयों को वहीं पर शांत कर दिया जाए, यानी दंगे आगे न बढ़े। जी